करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अपन एक YouTube वीडियो से, जो कि हमको बताएगा कि हमारी आँख कैसे काम कैसे करती है। उसके लिए मुझे एक YouTube चैनल पर जाना पड़ेगा। 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं वीडियो प्ले कर दूं। चलिए बच्चे आ गए हैं, अपन YouTube वीडियो पर आते हैं। तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, सभी को आवाज़ आ रही होगी मेरी, अगर नहीं आ रही हो तो बता दीजिएगा, है ना। ये यहाँ पर जो है वो इंग्लिश में वीडियो है, मैं इसको ट्रांसलेट करते जाऊँगा आपके लिए, बताते जाऊँगा कि ये बताना क्या चाह रहे हैं, कैसे वो है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में ये वही बताते हैं कि मानव नेत्र होती क्या है, कैसे काम करती है ना, तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो कुछ हमारी ह्यूमन आई ऐसे कुछ दिखाई देती है। उसके बाद अगर हम इसको और पास से देखें तो उसकी आँख की संरचना जो है वो ऐसी कुछ दिखाई देती है ना। इसको अगर हम काट दें और अंदर से देखें, देखो उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे वो दिखा रहे हैं, देखो बीच से काटी और उसको जूम करके दिखा रहे हैं। तो कुछ हमारे मानव नेत्र जो है वो ऐसी दिखाई देगी। सबसे बाहरी जो परत होगी ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये कॉर्निया होगी। कॉर्निया के अंदर जो व्हाइट वाला हिस्सा हो, ये कॉर्निया दिख रही है, ये वाला जो एरिया है झिल्ली होगी एक, जो वो कॉर्निया होगी। ये आयरिस होगी, आयरिस मतलब परितारिका होगी। परितारिका के बीच में पुतली होती है और उसके अंदर लेंस होता है। रेटिना जो है वो आखिरी वाला हिस्सा है ना, एरो में बता दिया इन्होंने। ये आखिरी जो येलो कलर की लाइनिंग दिख रही है आपको, ये रेटिना वाला हिस्सा है। और ये पूंछ जो पीछे दिख रही है, ये मृदंग तंत्रिका है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव ले आए, एक बाहर ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तु कोई ले आए, मान लीजिए जलती हुई मोमबत्ती लाए हैं, है ना। तो जलती हुई मोमबत्ती जब ये यहाँ पर लाए हैं तो आँख क्या करती है, इस पे प्रकाश किरण यहाँ से कॉर्निया के थ्रू अंदर आती है। कॉर्निया इसको हल्का सा मोड़ देता है, देखो दिखाई दे रहा है हल्का सा मुड़ा हुआ। और मुड़कर ये कहाँ से पहुंच के जाती है, पुतली की सहायता से पहुंचती है लेंस तक। पुतली के अंदर से होकर जाती है कहाँ तक, लेंस तक। लेंस क्या कर देता है, इसको फोकसित कर देता है। फोकसित करने के बाद ये यहाँ पर रेटिना दिखा रहे, रेटिना जो है वो पीछे होता है यहाँ पर, है ना। वस्तु देखो अपसाइड डाउन प्रतिबिंब बनाया जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब दिख रहा है ना आपको, उल्टी मोमबत्ती दिख रही है यहाँ पर रेटिना पर बनती हुई। तो ये मोमबत्ती का उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। उसके बाद क्या करती है, दृक, यहाँ पर रेटिना पे बहुत सारी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, वो इस प्रतिबिंब को कायम कन्वर्ट कर देती हैं, विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं। और ये दृक तंत्रिका गई कहाँ तक, ब्रेन तक जाती है। ये दृक तंत्रिका जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन में क्या कर देती है, ब्रेन में जो है वो इसकी इमेज बन जाती है सीधी। ये देखो मैं कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पर ब्रेन का जो पिछला हिस्सा होता है ऑक्सिपिटल लोब, है ना, ये हमको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि मस्तिष्क का जो पिछला हिस्सा होता है वो क्या कर देता है, इस इमेज को कैसा बनाता है हमारे दिमाग में, सीधा बनाता है। तो ये दिमाग है जो इमेज को जो है वो सीधा बना रहा है, आंख तो हमारी जो है वो वस्तुओं के प्रति में उल्टे बना रही होती है ना। तो ये आपको आंख की कार्यविधि एक बार फिर से समझ में आ गई। फिर उसके बाद जो है वो बात कर रहे हैं कंडीशंस की, कैसे कैसे जो है वो हमको दोष हो सकते हैं, कैसे कैसे परेशानी आ सकती है। तो जो हमारी आंख का शेप होता है, शेप ऑफ आई कीप्स द थिंग्स वी सी इन फोकस, हमारी आंख का जो शेप होता है, ये लेंस भी पतला मोटा होता रहता है और आंख भी बड़ी छोटी हल्की सी अपने आप को एडजस्ट करती है वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है उस हिसाब से। जितनी दूरी पर वस्तु होगी उस हिसाब से ये प्रतिबिंब फोकस करके कहाँ पर बना रहा होगा, रेटिना पर बना रहा होगा। रेटिना उस प्रतिबिंब को ग्रहण करेगा, उसको विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचा देगा, है ना। तो अब इस केस में 2 केस हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा, पहला केस ये देखो, ये नॉर्मल केस है। ऐसा केस में लाइट क्या होती है, पैरेलल आ रही होती है, समांतर आ रही होती है, कॉर्निया से होकर जाती है। देखो नॉर्मल विजन, सामान्य दृष्टि ऐसी होती है। लेंस क्या करता है, उसको कन्वर्स करके फोकस बिंदु कहाँ पर बना देता है, नेत्र पर, सॉरी रेटिना पर बना देता है, दृष्टि पटल पर बना देता है जिसको हिंदी में बोलते हैं, वहां पर बना देता है। वस्तु हमको कैसे दिखाई देती है, जैसी वो है वैसे की वैसे हमको दिखाई देती है। फोकस कहाँ पर है, रेटिना पर ही है। फोकस पर ही जो है वो प्रतिबिंब सबसे क्लियर बनता भी है। तो वो फोकस पर जो है वो प्रतिबिंब बना, ये फोकस पर प्रतिबिंब कैसे उत्तल लेंस की सहायता से क्लियर बनता है, एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको स्कूल में दिखाऊंगा लेंस से, बहुत अच्छे से समझ में जाएगा आपको। लेकिन उल्टा बनता है ये भी आपको दिखाई देगा, और मैंने शायद आपको वीडियो में दिखाया भी है कि वो उल्टा प्रतिबिंब मोमबत्ती का कितना क्लियर दिखाई दे रहा था, है ना। तो वो बिल्कुल क्लियर प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। ये हमारी नॉर्मल आई में, नॉर्मल विजन में ऐसा होता है। अब इसमें 2 केस कौन कौन से हो जाते हैं, देखो फोकल पॉइंट बता रहे हैं कि फोकल पॉइंट क्या रहता है। जब हमको निकट दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेड लिखा है, नियर साइटेड आई मतलब कि निकट दृष्टिता,
है ना, इसको ही हम निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें पास रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। उल्टा था ना मैंने बताया था, निकट दृष्टि दोष नाम से क्या हो रहा है कि दूर की पास की चीजें नहीं दिखाई देना चाहिए, जबकि है इसका उल्टा है क्या, पास की चीजें दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। क्या होता है नियर साइटनेस में, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में प्रकाश किरणें आती हैं वस्तुओं से, देखो आते हुए दिखाई देंगी आपको, ये प्रकाश किरणें आई और फोकस पॉइंट देखो यहाँ पर पहले ही आ गया, पहले कहाँ पर था, रेटिना पर था, रेटिना से कैसे आ गया, पहले आ गया, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, हमको जो है वो ब्लरी इमेज दिखाई देने, देखो मोमबत्ती धुंधली से दिखाई दे रही है, मोमबत्ती धुंधली दिखाई दे रही है, बस हमको जो है वो धुंधली दिखाई देने लगेंगी दूसरी चीजें। क्यों, क्योंकि फोकस बिंदु कहाँ आ गया, पहले आ गया, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बनने लगा है, तो उसके कारण से हमको क्या दिखने लगेगी, ब्लरी इमेज दिखने लगेगी, धुंधली दिखने लगेगी, जैसे आपको मोमबत्ती दिखाई दे रही है ना। तो ये होती है निकट दृष्टिता, जब प्रतिबिंब कैसे बनने लगता है, रेटिना से पहले ही बनने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, हमें दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, है ना। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं, क्या बोला मैंने, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं निकट दृष्टिता, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं दिखाई दे जाती हैं, क्या बोला मैंने, निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं दिखाई दे जाती हैं, पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नियर साइटेड आई, मतलब कि निकट दृष्टिता, हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टिता। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, इसलिए उसे निकट दृष्टिता भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा केस क्या होता है, दूसरा इसको, हाँ सॉरी, इसका इलाज भी तो देख लो पहले, इसका इलाज करने के लिए क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। कॉनकेव मतलब कि आउटर लेंस, कॉनकेव मतलब होता है आउटर लेंस। तो आउटर लेंस का शेप इन्होंने अलग टाइप का बनाया हुआ है, क्योंकि वो रियलिटी में ऐसा शेप होता है, लेकिन देखो यहाँ पर प्रकाश किरणें फैलती हुई दिख रही है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा आउटर लेंस में यही होता है। इसको जाना कैसा, कन्वर्स होना चाहिए था, अगर उत्तर लेंस होता तो कन्वर्स होती है, पास आ जाती है, लेकिन देखो फैलती हुई दिख रही है, ऐसे ही तो होता है अवतल लेंस में। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये अवतल लेंस देखो वापस उसका फोकस बिंदु कहाँ पर बना देता है, रेटिना पर बना देता है, जिसके कारण से हमें जो है वस्तु, देखो मोमबत्ती फिर से कैसे दिखने लगी, क्लियर दिखने लगी। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, हम अवतल लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे केस की, दूसरे केस में क्या हो जाता है, जिसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में ये फास, इसको हम दूर दृष्टिता भी बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता भी बोलते हैं। इसमें देखो लेंस क्या होगा, चपटा हो गया, चपटा हो जाने के कारण से क्या हो जाएगा, इसका जो फोकस बिंदु होगा वो पीछे कहीं बन रहा होगा, रेटिना पर बनना चाहिए था लेकिन रेटिना से पीछे बन रहा होगा। आप आपकी बुक में देखोगे ये वाला जो है उन्होंने और आगे बना दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल केस है, प्रैक्टिकल केस में ऐसा ही होता है, सच में ऐसा ही होता है, बिल्कुल जरा सा फर्क आता है फोकस बिंदु में और हमको देखो फिर से क्या हो गई, पास रखी हुई वस्तु कैसे दिखने लगी, धुंधली दिखने लगी, देखो मोमबत्ती फिर से धुंधली दिखने लगी। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें दूर की वस्तुएं दिखती हैं, पास की नहीं दिखती, इसको हम क्या बोलते हैं, दूर दृष्टिता भी बोलते हैं, फार साइटेड आई भी बोलते हैं, फार मतलब कि हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। उल्टा होता है, कई बच्चे आखिरी तक नहीं समझ पाते हैं, आपको अभी समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी, पास की दिखाई नहीं देंगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी। तो निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में जो नेत्र का फोकस बिंदु है वो कहाँ चला जाता है, नेत्र के पीछे चला जाता है, रेटिना के पीछे चला जाता है, ऐसा बोल सकते हो आप, रेटिना के पीछे चला जाता है, जिसके कारण से हमें वस्तु, पास रखी वस्तु कैसे दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, ब्लरी विजन दिखाई देता है। तो इसके कारण से इसको आप दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगा देते हैं। उत्तल लेंस क्या कर देता है, इस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कन्वर्स कर देता है, देखो इसने क्या कर दी, कन्वर्स कर दी, इस साइड आ गई, तो नेत्र लेंस ने इतना करा, रेटिना ने और उसको उत्तर कर दिया, उसके कारण से क्या हो जाएगा, पीछे बनने की जगह प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा, वापस रेटिना पर बनने लगेगा, रेटिना पर बने लगेगा। तो हमारा दूर, सॉरी ये वाला कौन सा था, दूर दृष्टि दोष में कौन सा, उत्तल लेंस का यूज करा, तो हमारे दूर दृष्टि दोष का निवारण, दूर कर, उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से अब बात क्लियर हो गई होगी आपकी, कि आपको जो दूर दृष्टि दोष होता है वो क्या होता है और निकट दृष्टि दोष होता है वो क्या होता है।
तो ये था आपको आज जो है वो मेरे ख्याल से आंख के बारे में समझ में आ गया होगा कि हमारी आंख जो है वो कैसे काम करती है, कैसे हमको दिखाई देता है। नॉर्मल केस में फोकस बिंदु कहाँ बन रहा होता है, रेटिना पर क्या करता है, रेटिना फिर उसके बाद मस्तिष्क तक कैसे पहुंचाता है इमेज। तो ये सारी बातें आज एक बार फिर से समझ में आ गई होगी। साथ ही आपको आज जो है वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। एक बार पैंट स्क्रीन पर जाता हूँ मैं और आपको फिर से समझाता हूँ कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में हमने क्या पढ़ा था, ताकि एक बार जो पिछला रिवीजन भी हो जाए और कुछ अगर मिसिंग हो गया हो और आपको अगर समझ में ना आया हो तो वो भी समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे वो बात कर रहा हूँ निकट दृष्टि दोष की, है ना? कौन से दोष की? निकट दृष्टि दोष की। तो निकट क्या हो गया, लिखा क्यों नहीं रहा? निकट दृष्टि दोष, दृष्टि में यहाँ पर जो है वो नीचे वाली रेफ आती है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको हम जो है वो निकट दृष्टिता भी कहते हैं, निकट दृष्टिता, निकट दृष्टिता भी कहते हैं, है ना? तो ये निकट दृष्टि दोष होगा। मैं बोल रहा हूँ आपसे निकट दृष्टि में जो वो आता है वो ऐसा वाला आता है, निकट दृष्टि दोष, है ना? द्र ऐसा वाला हो जाता है, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पर भी वो दृष्टिता जो है वो ऐसा रहेगा, निकट दृष्टिता रहेगी। इसको हम किसको बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं जब जिस इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट दृष्टिता बोल रहे हैं ना, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, इसे ही निकट दृष्टिता भी कहते हैं। क्यों होता है, रीजन क्या है? उसके दो कारण है ना? आपको कारण लिखना पड़ेंगे। तो कारण के लिए आपके पास दो कारण है। पहला, पहले देख लेते हैं प्रैक्टिकली होता क्या है। जी, हमारी आई साइड है, आई साइड मतलब कि ये हमारी आई है, ऐसा कुछ हमको जो है वो दिखाई देता है, ये हमारी आंख हो गई। बस प्रकाश किरणें आती हैं, प्रकाश किरणें यहाँ पर समांतर आती हैं वस्तु से, और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो मतलब बनना चाहिए कहाँ पर? रेटिना पर। सामान्य दृष्टि कैसी होती है? सामान्य दृष्टि बना लेते हैं पहले अपन, कि सामान्य केस में भैया ऐसा होता है ना? यहाँ पर लिख देंगे वस्तु, यहाँ पर लिख देंगे वस्तु, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रेटिना, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे प्रतिबिंब। आप चाहो तो इसको बोल, ऐसा ही बोल सकते हो, प्रतिबिंब, इसको बोल दिया रेटिना, इसको बोल दिया प्रतिबिंब, और इसको बोल दिया लेंस, नेत्र लेंस, या फिर अभिदर्शक लेंस, या फिर लेंस भी लिख सकते हो केवल, है ना? मैं लिख रहा हूँ नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। ये हो गया हमारी सामान्य दृष्टि में, मतलब ऐसा प्रतिबिंब बनता है हमारी आंख में जो आपने आज देखा फिर से एक बार प्रैक्टिकल के माध्यम से। यहाँ पर अब दूसरा केस बोल रहा हूँ, निकट दृष्टि दोष। जब निकट दृष्टि दोष होगा तो क्या होगा? तो ये होने वाला है ना? ये आई बनाई मैंने, ये आई बना ली, एक बार फिर से बना लेता हूँ गोला। अरे रे, मेरा माउस, कॉपी पेस्ट करके रख लेते हैं ताकि अपन को बार बार यूज करना पड़े तो अपन बना सकें। हाँ तो ठीक, ये हम अब निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में समांतर प्रकाश किरणें आएंगी तो, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगी? प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनने की जगह कहाँ बन जाएगा? पहले ही बन जाएगा वो प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा। ये देखो, यहाँ पर बन जाएगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा, है ना? यहाँ पर भी आप फिर वापिस वही चीज लिखोगे, वस्तु लेंस, यहाँ पर लिखोगे रेटिना, और प्रतिबिंब इसको दिखाओगे कि प्रतिबिंब यहाँ बन गया भैया, है ना? तो वस्तु कहाँ पर दिख रही है? वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, तो जिसके कारण से हमको क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। मैं सारी चीज नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं मेरे ख्याल से लिख लेंगे लेंस रेटिना, ताकि सारी चीज ये हो जाएगा। इसके बाद तीन डायग्राम बनते हैं, पहला सामान्य दृष्टि का, फिर उसके बाद निकट दृष्टि दोष का, और तीसरा डायग्राम बनता है इसको सुधार कैसे किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में सुधार कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं,
उसके लिए हम नेत्र लेंस नेत्र बनाते हैं और फिर से वही प्रकाश किरण को आपतित करवाते हैं, और एक बार फिर से हम सामान्य केस ही बना रहे होते हैं, बस क्या करते हैं आगे उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं वो लगा देते हैं, है ना। जैसे निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, वो लेंस यूज किया जाता है आउटर लेंस। कुछ नहीं करेंगे हम, जैसे सामान्य नेत्र की डायग्राम बनता है वैसे ही बनाएंगे, और कुछ बस यहाँ पर कौन सा लेंस बना देंगे, यहाँ पर आउटर लेंस बना देंगे, यहाँ पर आउटर लेंस बना देंगे, बस हमारा तीसरा डायग्राम निवारण वाला कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने आउटर लेंस बनाया, फिर से हम वस्तु बनाएंगे, वस्तु नेत्र लेंस रेटिना प्रतिबिंब, और यहाँ पर ये जरूर लिखेंगे कि ये कौन सा लेंस है, आउटर लेंस है, आउटर लेंस है, है ना। कई बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि दूरदृष्टि दोष में अवतल यूज करते हैं कि उत्तल, और निकट में कौन सा यूज करते हैं, निकट में यूज होता है अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष में होता है उत्तल लेंस। निकट में कौन सा, सबसे पहले हम निकट पढ़ते हैं और निकट में कौन सा होता है, अवतल लेंस यूज होता है। तो ये तीन डायग्राम बनते हैं, है ना। हो सकता है केवल आपको डायग्राम ही बनाने के लिए आ जाए तीन नंबर में, तो केवल तीन डायग्राम बना दीजिएगा। अगर आपको तीन नंबर में क्वेश्चन लिखने को आता है तो केवल आपको ये दोनों डायग्राम बनाना पड़ेंगे, बस कौन से, ये दोनों आखिरी के, ये दोनों बस, ये वाले, ये दो डायग्राम दिख रहे हैं, बस यही बनाना पड़ेगा अगर तीन नंबर में आता है। तो तीन नंबर में अगर आता है आपको लिखने के लिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण सहित निदान के उपाय लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे निकट दृष्टि दोष की परिभाषा, जो की परिभाषा आपको बताई मैंने कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है, उसे हम निकट दृष्टिता भी कहते हैं। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद आप उसका डायग्राम बना दोगे, दो डायग्राम बनाना है आपको, तीन नंबर के हिसाब से बताना बता रहा हूं मैं, दो डायग्राम बनाना है आखिरी वाले। सामान्य नेत्र के विजन का डायग्राम आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, केवल ये बताइए कि निकट दृष्टि दोष क्यों होता है और उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं। इसके बाद दो पॉइंट और लिखोगे, पहला कारण और उसके बाद निदान, है ना, पहला कारण और निदान। तो कारण, कारण में क्या लिखोगे, कारण दो कारणों से होता है। पहला एक कारण कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए, पहला कारण क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या कम हो जाए। तो पहले जो थी इसकी फोकस दूरी यहाँ पर थी, अब क्या हो गई, यहाँ पर हो गई, देखो आप घट गई ना, इतनी कम हो गई, इसको हम बोलते हैं क्या, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए, है ना, फोकस दूरी कम हो जाए। उसके बाद दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि नेत्र गोली की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए। वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये वाली जो दिख रही है ना, ये नेत्र गोली की वक्रता त्रिज्या है। तो यदि ये बढ़ जाएगी, ये वाली अगर बढ़ जाएगी, ये नेत्र तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु तो वहीं का वहीं रहेगा, फोकस बिंदु यहीं रह जाएगा, ये नेत्र गोला बढ़ जाएगा, जिसके कारण से फोकस जो है वो रेटिना से पहले बन जाएगा, रेटिना पीछे चला गया, बेसिकली ये बोल रहे हैं, रेटिना जो है वो पीछे चला गया। तो रेटिना जब पीछे चला जाएगा मतलब कि नेत्र गोले की त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो दो रीजन है, वो दोनों रीजन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, सही राइटिंग में लिख देता हूँ। कारण क्या है, पहला कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है नेत्र गोले की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। दो रीजन है, या तो नेत्र गोला की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, मतलब नेत्र गोला बड़ा हो जाए, रेटिना पीछे चला जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, पहले ही बन जाएगा, जैसे यहाँ पर नेत्र गोला जो है वो पीछे चला जाए, नेत्र गोला यहाँ से पीछे चला जाए तो प्रतिबिंब पहले बन जाएगा, इसको भी निकट दृष्टिता बोलेंगे। या फिर इसकी लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए, जैसा कि इस केस में हो रहा है, फोकस दूरी कम हो गई तो क्या हो जाएगा, हमको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कारण के बाद लिखेंगे निदान, निदान मतलब कि इससे बचने के उपाय, कैसे बचा जा सकता है, निकट दृष्टि दोष में क्या यूज किया जाता है, उसको निदान बोलते हैं। निदान के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तीन नंबर के हिसाब से आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। मैंने लाल मार्किंग से लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी लाल मार्किंग से लिख दो, मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बात समझते हो गए तो समझदार हो गए होगे अभी तक, है ना। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, तीन नंबर में क्या लिखोगे, निकट दृष्टि दोष हेडिंग डालोगे, उसको निकट दृष्टिता भी बोलते हैं, हेडिंग में बिल्कुल लिख सकते हो आप, 100% कोई गलत नहीं है इसमें। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, इसकी परिभाषा, इसी के बाद इसकी परिभाषा लिखना चालू करोगे। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। मैं एक बार सामने जाता हूं, है ना, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को
पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता कहलाता है। ये हो गया। इसके बाद आप चाहो तो डायग्राम भी बन सकते लिखा सकते हो, चाहो तो कारण भी बता सकते हो। डिपेंड करता है आपके कॉपी पे किस पोजीशन पे हो आप। अगर आपको पेज चेंज करना पड़े तो डायग्राम को अगले पेज पर जान दो, कारण पहले लिख दो। अगर आपके पास स्पेस अच्छा खासा है तो आप जो है वो डायग्राम बना दो। और अगर एक ही पेज में आपको सब कुछ लिखना है तो तरीका यही सही होगा। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, फिर उसके बाद उसका कारण और निदान लिख दो, दो दो लाइन के हैं दोनों, और फिर उसके बाद डायग्राम बना दो। दो डायग्राम बनाना तो एक पेज में आपका पूरा आंसर हो जाएगा, है ना। वो आपकी कॉपी पे डिपेंड करता है, आप किस पोजीशन पे हो, क्वेश्चन नंबर किस नंबर पे आया हुआ है, आपके पास कितना स्पेस बचा हुआ है। उसके लिए आप अपनी चित का यूज करिएगा, मन का यूज करिएगा, बुद्धि का यूज करिएगा कि हम कैसा लिखें जिससे टीचर को सहूलियत हो। कई बार क्या होता है, हम जैसे मान लो उदाहरण के लिए उन्होंने पूछा हुआ है कारण और निदान बताइए, हमने डेफिनेशन लिख दी और डायग्राम बना दिए और कारण निदान जो है वो अगले पेज पर लिखे हुए हैं, जिसके कारण से उसको पेज पलटना पड़े उस पेज पर लिखे हुए हैं। तो उस केस में क्या होता है, कई बार जब टीचर चेक जल्दी जल्दी कर रहा होता है ना, तो क्या करता है, उसने डेफिनेशन देख ली, डायग्राम देख दिए और तीन में से एक नंबर दे दिया फट से और अगला बढ़ गया। तो अगले पेज पर गया तो उसने देखा कि अरे इसको तो इसने लिखे हुए हैं जो उन्होंने पूछा था निदान और कारण, उसने अगले पेज पर लिखे हुए हैं। तो वो क्या कर देगा, उसको काट देगा या फिर उसके नंबर देगा ही नहीं, अगले क्वेश्चन में पहुंच जाएगा। तो आपके नंबर ऐसे में कम हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका मेन पार्ट जो है वो पहले ही आ जाए। जैसे मेन पार्ट क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आया कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निदान पूछिए, तो डायग्राम को आपको कम स्पेस देना है, डायग्राम को कम वैल्यू देना है। आपसे पूछा क्या है, मेन कारण और निदान बताना है आपको, सबसे मेन वो पूछा है। तो आप डेफिनेशन के बाद कारण और निदान सामने आ जाए, डायग्राम आप उसमें नीचे लिख दो, डायग्राम अगले पृष्ठ पर है ना। या फिर पीटीओ का यूज करो, पीटीओ का यूज तभी करना चाहिए आपको कॉपी में जब आपका क्वेश्चन आधा रह गया और आपको पेज पलटने के लिए बोला हो तो अगले पेज पर क्वेश्चन कंटिन्यू है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो पीटीओ लिखने की जरूरत नहीं है। और पीटीओ केवल कॉपी के दूसरे ओर ही लिखा जाता है, मतलब जिसको पलटना हो उसी ओर लिखा जाता है। वो मैं क्लास में बताऊंगा यूज करना जब आप एग्जाम टाइम में पहुंच जाओगे, वो बात की बात है। लेकिन हाँ, आपको याद रखना है अभी इस केस में आपको क्या चीज पहले लिखना है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर और आपकी कॉपी में बचे हुए स्पेस पर, है ना। मैं अभी बिल्कुल टिपिकल वे में आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे आप कन्वेंशनली सामान्य तौर पर कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे तीन नंबर में, निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता की। उसके बाद लिखोगे कारण, दो कारणों से होता है, पहला या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए या फिर नेत्र गोले की त्रिज्या बढ़ जाए। दोनों ही रीजन में क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बने लगेगा और निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। निदान के लिए क्या करेंगे, लिखोगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और डायग्राम बना दोगे। मेरे ख्याल से अब बात क्लियर हो गई होगी निकट दृष्टि दोष की। एक बार हम दूर दृष्टि दोष और देख लेते हैं इसी तरह से, उसके बाद जो है वो आज की क्लास जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अपवर्तन के बारे में जानेंगे हम कि अपवर्तन क्या होता है, प्रिज्म से अपवर्तन कैसे, अपवर्तन हाँ जाहिर सी बात है आप पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में, लेकिन इस बार जो आएगा वो प्रिज्म से अपवर्तन के बारे में आएगा। मैंने क्या करा, ये नेत्र को उठा लिया, इसी नेत्र का यूज कर रहा हूँ मैं ताकि बार बार ना बनाना पड़े। अब काय की बात कर रहा हूँ मैं, अब बात कर रहा हूँ दूर दृष्टि दोष की। दूर ब्लैक से लिखते हैं, दूर दृष्टि, दृष्टि फिर से वही बात, यहाँ पर कीबोर्ड में नहीं लिखा पाता है वैसा दृष्टि, तो आपको समझना पड़ेगा दूर दृष्टि दोष को। दूर दृष्टिता, दूर दृष्टिता भी कहते हैं, दूर दृष्टिता भी कहते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऐसा दोष, मतलब इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आपका देखना जो मेन नाम है ना दूर दृष्टि दोष, वो कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन उसके साइड वाला जो नाम है ना दूर दृष्टिता, वो इसके कंफ्यूजन को दूर कर देता है ना। इसलिए उसको भी याद रखें आप, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टिता। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या, इसके डायग्राम पे बात कर ले हम कि डायग्राम किस कारण से होता है। तो फिर से हम वही बात करेंगे सामान्य नेत्र में क्या होता है। मैं सामान्य नेत्र का डायग्राम फिर से यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए मैं इसको इधर से ले जाता हूँ और इतना वाला हिस्सा जो है वो मेरे पास वो है फैसिलिटी, तो मैं उसका फायदा उठाता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। सामान्य केस में क्या हो जाता है, सामान्य केस में ये हो जाता है
प्रतिबिंब वस्तु जो है वो अनंत पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब आपती मतलब वस्तु से प्रकाश किरण आपतित होती है, रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये सामान्य केस में होता है। फिर उसके बाद दूरदर्शी दोष में क्या होता है, तो दूरदर्शी दोष में हम जो है वो एक बार फिर से आइए बना लेते हैं अपनी, यहाँ पर हमने एक आई बनाई। फिर उसके बाद दूरदर्शी दोष में वस्तु पास में अगर रखी हुई है तो प्रकाश किरण ऐसी आपतित होंगी, आपतित होने के बाद पास में रखी है ना इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ, पास में आपतित होंगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। तो इसको हम वैसे लिख देंगे यहाँ पर सारी चीजें, ये क्या है वस्तु है तो यहाँ पर वस्तु लिखेंगे। फिर उसके बाद ये क्या है, ये नेत्र लेंस है तो इसको नेत्र लेंस लिखेंगे। फिर उसके बाद ये क्या है, ये रेटिना है पीछे तो इसको रेटिना लिखेंगे। और प्रतिबिंब कहाँ पर, आप इसको प्रतिबिंब की जगह फोकस बिंदु भी बोल सकते हो, है ना, इस वाले बिंदु को फोकस बिंदु भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। फोकस आप कहाँ, फोकस बिंदु लिख दो इसको, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु रेटिना पर ना होकर कहाँ चला गया, रेटिना के बाहर चला गया। इसको हम क्या, इसकी स्थिति में क्या होगा, हमको दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। उत्तल लेंस के लिए आप फिर से जो है वो सामान्य केस फिर से बना देंगे, और सामान्य केस के बाद जो है वो आप चाहो तो सामान्य केस में समानता ना ला के ऐसे पास रखे वस्तु को ऐसे ला सकते हो, और वापस प्रतिबिंब कहाँ बना देना, फोकस पर बना देना, और यहाँ पर क्या बना दोगे, यहाँ पर उत्तल लेंस बना दोगे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो वो क्या कर देगा, इसको कंजर्व कर देगा, ऐसा बना देगा, और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, वापस फोकस पर बन जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पर। यहाँ से फिर से वही बात, वस्तु यहाँ पर जरूर लिखेंगे, ये क्या है, उत्तल लेंस, ये जरूर लिखेंगे उत्तल लेंस। बाकी की चीजें आपको पता है, वस्तु लिखेंगे, रेटिना लिखेंगे, फोकस बिंदु लिखेंगे, प्रतिबिंब लिखेंगे, आंख लिखेंगे, मानव नेत्र लेंस लिखेंगे, वो सारी चीज आप लिख सकते हो आपकी जगह के अनुरूप, जैसे जैसे आपके पास जगह बच रही है। तो ये तीन केस होते हैं। सामान्य केस में क्या होता है, प्रकाश किरण आती है, टकराती है कहाँ पर, लेंस के, लेंस से अपवर्तक पर कहाँ टकराती है, रेटिना पर फोकसित हो जाती है, तो हमको सब चीज साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन यदि वो रेटिना के पीछे उसका फोकस बिंदु आता है तो हमें फिर से जो है वो वस्तु जो है वो ब्लरी दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी, और हम बोलेंगे हमको कौन सा दोष हो गया है, दूरदृष्टि दोष हो गया है। निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे। कारण लिख लेते हैं किस कारण से होता है, दो कारण इसके भी है, जैसे उसके कारण थे वैसे इसके भी कारण है। कारण लिख लेते हैं, पहला कारण क्या है, पहला कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, है ना, तो लिखेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। इसके बाद दूसरा जो रीजन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि क्या हो जाना, नेत्र लेंस, नेत्र गोले की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, नेत्र गोले की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, नेत्र गोले की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, मतलब क्या हो जाएगा, नेत्र गोले का छोटा हो जाना। तो दोनों रीजन कैसे हैं, एक बार समझो, नेत्र गोले की फोकस दूरी बढ़ जाना, मीटिंग बंद होती है तो फिर से ज्वाइन कर लें एक बार सभी लोग, है ना। मैं पहला रीजन बता रहा हूँ कि क्या होगा जब नेत्र गोले की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो पहले फोकस दूरी कैसी थी, प्रकाश किरणें आ रही थी और फोकस दूरी बिल्कुल सही थी, रेटिना पर थी। लेकिन अब क्या होगा, जब दूरदर्शिता हो गई तो उसकी फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ गई तो क्या हो गया, फोकस बिंदु कहाँ चला गया, रेटिना के पीछे, और हमको दूरदर्शी दोष हो गया। ये तो हुआ पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि नेत्र गोले की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, मतलब कि नेत्र लेंस जो है वो चपटा हो जाना, चपटा हो जाएगा तो रेटिना क्या हो जाएगा, सॉरी, नेत्र गोले की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ सही तो है, नहीं सही है, इसकी नेत्र गोले की वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी, मतलब कि चपटा हो जाएगा नेत्र लेंस, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब तो अभी भी वही बन रहा है, मान लो सामान्य केस के बारे में बात करूं, अभी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, नेत्र गोला कैसा होगा, चपटा हो गया, चपटा होगा तो प्रतिबिंब तो अभी भी बन रहा है, लेकिन रेटिना आप कहाँ आ गया, आगे आ गया, थोड़ा सा आगे आ गया, तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, हमें फिर से दूरदृष्टि दोष हो जाएगा और हमें वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देगी। तो वो दोनों चीज के बारे में बात कर लिया अपन ने, फोकस दूरी बढ़ जाए, फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो नेत्र लेंस फोकस जो है वो रेटिना के पीछे चला जाएगा, जिसके कारण से दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। या वक्रता त्रिज्या कम हो जाए, वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सामान्य केस में रेटिना उधर रहता है, रेटिना जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा थोड़ा सा, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा होगा। दो रीजन से हो सकता है, मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे ये रीजन, है ना। और आखिरी में क्या लिखते हैं हम,
निदान यानी कि उपाय उपाय लिखते हैं कि उपाय क्या है, इससे बचने के उपाय क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसके उपाय के लिए क्या करेंगे, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्ताल नहीं उत्तल, उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। तो ये उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं किसको, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अब बात क्लियर हो गई होगी दिमाग में, जिन बच्चों को परसों समझ में नहीं आया था, थोड़ा बहुत तो परसों भी आ गया होगा, लेकिन जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आया था उनके लिए आज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई ये बात। इससे ज्यादा अच्छी बात और अच्छे से नहीं समझाई जा सकती कि आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो प्रतिबिंब सीधा होता है कि उल्टा होता है, कहाँ से वो मस्तिष्क में जाता है, उसको पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद हमने दूर निकट दृष्टि दोष जिसको निकट दृष्टिता भी बोलते हैं उसके बारे में चर्चा की कि वो किस कारण से होता है, क्यों हो जाता है, और उसके बाद आखिरी में चर्चा करी कि दूरदृष्टि दोष होता है तो वो भी कैसे होता है, किस किस कारण से होता है, उसके उपाय क्या है, उत्तल लेंस से दूर कैसे किया जा सकता है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि दोष जो दोनों आने वाले हैं, दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 3-3 नंबर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी चांसेस हैं पूछने के, है ना, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उस पर अच्छा खासा टाइम लिया आपको समझाने के लिए। अब बात कर लेते हैं आखिरी दोष की जिसको हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो हमको ना ज्यादा पास का दिखाई देता है ना ज्यादा दूर का दिखाई देता है। तो कई घर में आपके घर में भी ऐसे केस होंगे, दादा दादी ऐसे भी होंगे, उनको ना ज्यादा दूर का दिखता है ना ज्यादा पास का दिखता है, तो उनके लिए एक विशेष प्रकार के स्पेशल चश्मे बनाए जाते हैं। नॉर्मली जो चश्मा होता है, मैं आपको चश्मा दिखाता हूँ मेरा, जो नॉर्मली चश्मा होता है वो एक जैसे कलर का होता है, एक जैसा शेड होता है उसका, है ना, यदि हम बात करें इसके शेड की तो एक जैसा शेड होता है, और इसमें यदि यहाँ पर जो निचला हिस्सा दिख रहा है इसमें जो है वो पास की दृष्टि के लिए ऐसा गोल गोल बना दिया जाता है। आप कई देखना आप लोग किसी ना किसी का चश्मा घर में होगा या आसपास होगा जिसमें यहाँ नीचे के साइड ऐसा गोल बना हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं द्विफोकसी चश्मे या द्विफोकसी लेंस, दो फोकस वाले लेंस, ऊपर वाला लेंस जो है वो अलग है और नीचे वाला लेंस जो है वो अलग है। तो दोनों के लिए जो है वो जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो नीचे वाला होता है वो पास की वस्तु को देखने के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो उत्तल लेंस होता है नीचे वाला, और जो ऊपर वाला होता है उसको वो अवतल लेंस होता है, वो दूर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो आप जो यूज करते हैं ना चश्मे उनसे देखिएगा, उनको पूछेंगे ना आप, तो नीचे जो गोला होता है उससे वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, और जो ऊपर का होता है उससे जो है वो दूर दूसरा देख रहे होते हैं। तो जरा दृष्टि दोष किसको बोलते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे पास की वस्तु, पास की दृष्टिता भी खत्म हो जाती है, दूर की दृष्टिता भी खत्म हो जाती है, दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं। तो उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, द्विफोकसी लेंसों का उपयोग करते हैं, कौन से लेंस, द्विफोकसी लेंसों का उपयोग करते हैं। मेरे ख्याल से आप बात समझ में आई होगी, आधा टाइम आपका यही खत्म हो गया, सभी बच्चे फिर से ज्वाइन करिए एक बार।